अच्छा देखें, एग्जाम्पल 2.1 जो है आपके ईजे हर्न में, वो ये सामने आपके नजर आ रही है एग्जाम्पल। इसमें सिर्फ जो है वो क्वेश्चन अभी डिस्कस हुआ है। देखें, इसमें आपके सामने जो पिक्चर नजर आ रही है, इसमें दो आई सेक्शन जॉयस्ट्स हैं, ठीक है, और इनकी डायमेंशंस शुरू में स्टार्ट में सवाल में बताइए कि 300 मीटर इनकी जो है वो हाइट है और 300 मिलीमीटर इनकी हाइट है और 120 मिलीमीटर जो है वो इनकी विड्थ है। अब वो आपको यहाँ पे भी डायमेंशन नजर आ रही है, अगर आप इसको बड़ा करके यहाँ देखें 300 mm ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, और जो इसकी विड्थ है ये लिखी हुई नजर आ रही है 120 mm, ठीक है। और इनको यूनाइट किया गया, यूनाइट मतलब जोड़ दिया गया बाय 12 mm थिक प्लेट्स। 12 mm थिक प्लेट्स जो है वो दो जगह लगी हुई है, एक ऊपर ये जो दरमियान ये नजर आ रही है ना आपको, ये चीज जो इन दोनों जॉइस को जोड़ी हुई है, ऊपर भी है और एक नीचे भी है, ये रही प्लेट, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ये, ठीक है। और इसकी थिकनेस बताइए इस प्लेट की 12 मिलीमीटर। टू फॉर्म अ 7 मीटर लॉन्ग स्टेंशन, अच्छा ये जो बेसिकली स्ट्रट या कॉलम फॉर्म हो रहा है इसका नाम इन्होंने स्टेंशन बताया, ये 7 मीटर लंबा है, यानी इसकी जो लेंथ है कैपिटल एल लिखेंगे या कैपिटल एल यूज करते हैं यहाँ पे ना, तो आप वो 7 मीटर अगर डेटा बनाना चाहें तो बना लें, नहीं बनाना तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। फिर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम FOS लिख देते हैं, वो दिया हुआ है 3, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 3। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है क्या है पता है किसी को? सर जहाँ पे उससे उस पॉइंट से पहले जहाँ पे मतलब टूट नहीं जाएगी चीज कोई, देख आगे लास्ट फॉर्मूले में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी ना, तो यहाँ पे इसका यूज होगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जितना भी आपका अलाउएबल लोड होता है उसको अगर आप डिवाइड कर दें मैक्सिमम लोड से, यानी मैक्सिमम लोड जो कि बेयर कर सकते हैं, तो ये हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाता है, ठीक है, अलाउएबल लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड, ये क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब अगर आप लिखना चाहेंगे साइड में पेंसिल वगैरह से लिख लें, ठीक है, तो वो आपको दिया हुआ है 3। फिर कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेस आपको 300 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा यील्ड जो स्ट्रेस होता है इसको हम सिग्मा वाई लिखते हैं, ठीक है, सिग्मा वाई, तो यहां पर मैं लिख के दिखाऊं क्या इस तरह से पेन यूज कर रहा हूं, सिग्मा वाई, ठीक है, सिग्मा वाई की वैल्यू आपको 300 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दी हुई है। अच्छा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पैस्कल भी कहते हैं, तो मेगा पैस्कल भी कह सकते हैं आप इसको, तो हो सकता है सवाल में वो मेगा पैस्कल दे दें तो वो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर ये कॉन्स्टेंट जो ए दिया हुआ है ना, ये ए अगर आप उसकी इक्वेशन देखें रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूले की, तो उसमें एक इक्वेशन में ए एक कॉन्स्टेंट होता है, जब हम आगे इसको यूज करेंगे इंशाल्लाह ताला तो फॉर्मूला आएगा तो उसमें आपको ए नजर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इस ए की वैल्यू यहाँ पे बताई हुई है 1/7500। अब फिर आपसे कह ये रहे हैं कि अलाउएबल लोड, लोड का मतलब होता है फोर्स, ठीक है, फिजिक्स में अगर आमतौर पर आप बात करें, किसी बच्चे को अगर नहीं पता कि लोड क्या होता है, लोड का आमतौर पर मतलब होता है फोर्स, तो अलाउएबल लोड आपसे पूछ रहे हैं विच कैन बी कैरीड बाय दिस स्टेंशन अकॉर्डिंग टू रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला, ठीक है, रैंकाइन गॉर्डन के फॉर्मूलाए को आपको जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले एक बात ये सुन लें कि इसमें ना ऐसा जो भी सवाल होता है जिसमें जैसे रैंकाइन गॉर्डन का सवाल है, तो इसमें एक चीज होती है रेडियस ऑफ गायरेशन जिसको हम स्मॉल के लिखते हैं। अब अगर किसी को ये है कि भाई रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो मुख्तसरन अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपने कभी स्टैटिक्स वगैरह में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, होता है ना कि जैसे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम ये बोलते हैं कि रेजिस्टेंस है वो एक तरह से किसी मास के रोटेट होने में, यानी कितनी रेजिस्टेंस, एक मास जब रोटेट होता है तो कितनी रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड, बिल्कुल ऐसी जैसे आप फिजिक्स में बचपन में कभी इनर्शिया पढ़ते थे, और इनर्शिया आप बोलते थे जितना मास ज्यादा होता है उतनी
बॉडी की जो है वो इनर्शिया ज्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो उसमें हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, लेकिन जहां भी हम इस तरह की चीजें पढ़ते हैं जैसे कॉलम्स बीम्स, जहां पे एरिया के बेंडिंग हो रही होती हैं कहीं, ठीक है, या एरिया पे जब लोडिंग अप्लाई हो रही होती हैं मुख्तलिफ सिंथ से, तो इसमें हम जो है वो सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं। इसको हम मुख्तसरन बोलते हैं सेकेंड एरिया मोमेंट, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। तो वहां पर हमें बिल्कुल जैसे जब आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी बचपन में अगर पढ़े हो तो आप लिखते थे कैपिटल आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो उसमें आर जो होता था वो एक रेडियस होता था ना, रेडियस होता था किसमें, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉरेस्पॉन्डिंग। बिल्कुल इसी तरह जब आप सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया यूज करते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेडियस होता है उसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन कह देते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं, स्मॉल के से, ठीक है। और अगर आपको मतलब ये पता करना है कि एरिया मोमेंट का और रेडियस ऑफ गायरेशन के दरमियान फॉर्मूला क्या होता है तो वो आगे कहीं यहाँ पे लिखा हुआ होगा, नजर आ रहा होगा ये सामने, ये ए के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ना अगर इस सवाल को आप आगे देखें यहाँ पे तो कुछ चीजें सॉल्यूशन से पहले दी हुई आपको, एक आई एक्स एक्स दिया हुआ है, आई एक्स एक्स का मतलब ये है कि सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, और आई वाई वाई दिया हुआ है आपको यानी सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस, और एरिया की वैल्यू दी हुई है, एरिया किसका, जॉइस्ट का, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है द रेलिवेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ईच जॉइस्ट, हर एक जॉइस्ट के लिए जो है ना वो ये तीन चीजें, तो दो के लिए दुगनी हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा अगर थोड़ा क्लियर नहीं नजर आ रहा तो अब नजर आ जाएगा, अब आ रहा होगा नजर क्लियर। तो अब एक बात जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि हम ना आई एक्स एक्स भी निकालते हैं टोटल, आई एक्स 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 का क्या मतलब है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, और हम टोटल आई वाई वाई भी निकालते हैं। टोटल इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जॉइस्ट्स नहीं है बल्कि प्लेट्स भी हैं, तो एक पूरा सिस्टम बन गया, सिस्टम किसका बना, जॉइस्ट्स प्लस प्लेट्स, तो इसलिए हमें आई एक्स 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 और आई वाई वाई ये दोनों जो है वो निकालने हैं टोटल, मतलब पूरे सिस्टम के आई एक्स एक्स भी निकालेंगे आप और आई वाई वाई भी निकालेंगे। फिर हमें करना क्या होता है, हम ये देखते हैं कि यानी जब रैंकाइम गॉर्डन आप अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं दोनों में से छोटा एरिया मोमेंट कौन सा आया, ठीक है, दोनों आई एक्स एक्स में से और आई वाई वाई में से छोटी वैल्यू किसकी आई, जिसकी भी छोटी वैल्यू आई उसको इक्वेट कर देते हैं ए के स्क्वायर के। ए के स्क्वायर फॉर्मूला है बिल्कुल ऐसे ही जैसे बचपन में जब आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते थे तो आप लिखते थे आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह जब आप एरिया मोमेंट वाला पढ़ते हैं फॉर्मूला तो आप लिखते हैं आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, उसमें ए एरिया है और के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है के क्यों निकालते हैं, भाई के इसलिए निकालते हैं ताकि फिर हमारे पास एल अपॉन के की वैल्यू आए, और एल अपॉन के की वैल्यू जो है वो रैंकाइन स्ट्रेस में यूज होती है, जो आपको यहाँ पे बॉटम पे नजर आ रहा है ना। अभी मैंने कोई सोल्यूशन नहीं कराया भाई, मैं थीम बता रहा हूँ सवाल का, थीम जब आपके पास के आ जाएगा तो लेंथ तो पता है ना आपको पहले से, सवाल में दी हुई है स्टेंशन की लेंथ कितनी है, तो आप एल अपॉन के निकाल लेंगे, और एल अपॉन के यूज होता है किसमें, रैंकाइन स्ट्रेस में, रैंकाइन स्ट्रेस के फॉर्मूले में, रैंकाइन स्ट्रेस का फॉर्मूला ये लिखा हुआ आपके सामने। अब इसमें अगर कोई सोचे भाई रैंकाइन स्ट्रेस के फॉर्मूले तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बात एक ही कर रहे हैं, तो भाई बहुत सारी चीजें लिखी हुई है मानता हूं, लेकिन इसमें से सिग्मा वाई आपको सवाल में दिया हुआ है तो टेंशन की बात ही नहीं है, स्मॉल ए आपको सवाल में दिया हुआ है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सिर्फ क्या चीज नहीं पता आपको, एल अपॉन के, जिसमें से भी एल आपको पता है, सिर्फ क्या नहीं पता, के, तो के किसी तरह पता कर ले तो इस सवाल का जो है वो मामला हल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आई होप क्लियर होगी, अभी मैंने सवाल का सॉल्यूशन शुरू किया ही नहीं है, ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा हूँ इसका सिर्फ थीम, थीम एक दफा क्लियर हो जाता है ना, थीम जब जहन में बैठ जाता है बच्चे के फिर रट्टे वट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई ये होगा फिर ये होगा ये होगा इसके बाद ये स्टेप है, ऐसी कोई आपको इंशाल्लाह ताला नौबत नहीं आएगी। अब चलते हैं हम
इसकी तरफ के, क्योंकि मैंने आपको बोला सबसे पहले हमें जब के निकालना है तो के लिए छोटा वाला आई चाहिए। आई दो किस्म के हैं, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। तो अब बच्चों को, मुझे नहीं पता कि किस बच्चे को कितना आता है, स्टैटिक्स में ये पढ़ाया जाता है आई एक्स एक्स निकालने का तरीका और आई वाई वाई निकालने का तरीका, लेकिन हो सकता है आप में से किसी को नहीं पता हो, या बहुत सारों को ना पता हो, या भूल गए हो, पहले आता हो बाद में भूल गए। तो मैं आपको इसका मेथड ही बता दूंगा, मतलब यहाँ पे पॉइंटर से शो कर करके एक एक चीज डायग्राम में कि भाई फला चीज कैसे निकाल ली, क्योंकि किताब में ना बाबा डायरेक्ट लिखा हुआ है आपकी। तो मैं आपको बता दूंगा, चाहे तो अपने पास स्टेप्स भी लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये किताब ये समझती है कि बच्चा पहले स्टैटिक्स पढ़ चुका है तो इसको सब कुछ आता है स्टैटिक्स के हवाले से, इसे पता होगा सब आई एक्स एक्स क्या है, आई वाई वाई क्या है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसको डायरेक्ट बताओ। ठीक है, खैर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा चीजें। अच्छा, अब देखें सबसे पहले, क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है, तो पहले आई एक्स एक्स पूरा ऊपर, आई एक्स एक्स जॉयस्ट का तो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे, जब आपको आई एक्स एक्स टोटल निकालना है, तो टोटल में दो चीजें, एक जॉयस्ट दूसरी प्लेट। तो सबसे पहले आई एक्स एक्स फॉर जॉयस्ट की अगर बात करें, तो भाई एक जॉयस्ट का तो आई एक्स एक्स आपको ये दिया हुआ है ना, ये रहा, तो दो का कितना हो जाएगा, इसका दुगना। तो ये देखें, इस वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, आई एक्स एक्स फॉर जॉयस्ट आपने, यानी दोनों जॉयस्ट का कैसे निकाल लिया, एक जॉयस्ट का जो आई एक्स एक्स था उसको टू से मल्टीप्लाई कर लिया, जो आंसर आया वो लिख दिया 192 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर की पावर 4। ठीक है, इसके बाद बारी आती है प्लेट्स की। ये समझ में नहीं आता बच्चों को कि ये क्या हुआ है, एकदम से डायरेक्ट जो है ना वो ऑथर बहुत ऊपर से आया है। तो खैर आराम से इसको देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम आराम से इसको देखते रहेंगे तो चीज समझ में आ जाएगी। आई एक्स एक्स फॉर प्लेट्स। अब देखें, एक चीज जो जब भी रेक्टेंगुलर होता है ना शेप, रेक्टेंगुलर, तो जब आप स्टैटिक्स में पढ़ते थे रेक्टेंगुलर जब भी कोई शेप होता था, तो एक फॉर्मूला पढ़ते थे आई एक्स एक्स का या एरिया मोमेंट का, और वो होता था, रेक्टेंगल के लिए बोल रहा हूं, वो होता था बी एच क्यूब अपॉन 12। लिख लें कहीं चाहे तो साइड में बी एच क्यू अपॉन 12। ये किताब वाले ने नहीं लिखा, ये तो ऊपर से आ रहा है। ठीक है, ये जो ई जे हर्न है ना, ये बहुत ऊपर से आता है, इतना कि बंदे के समझ में ना आए, हम भी परेशान हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आपने कहीं साइड में लिख लिया कि भाई जब भी रेक्टेंगल होता है ना, तो जो एरिया मोमेंट आई होता है वो किसके बराबर होता है, बी एच क्यूब अपॉन 12। अब इसमें ये याद रख लें, देखें बच्चे समझते हैं बड़े, क्योंकि बेचारों को बहुत सीधे सीधे लेके चला जाता है, और वो शुरू से जो आते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, और आगे जाके जो है वो टीचर्स जरा कॉम्प्लिकेशंस को भी समझते हैं कि ये बच्चा समझ लेगा, हालांकि उसको जरा सीधा करके बताएं तो समझ में आएगी बात। देखें इसमें बी एच क्यूब अपॉन 12 में जो बेस है ना, बेस, ये आप याद रखिएगा हमेशा मेरी बात, कहीं लिख लें साइड में अपने पास, जब आप आई एक्स एक्स निकाल लें, क्या निकाल लें, आई एक्स एक्स, तो जो बेस है वो साइड होगी, बेस कौन सी साइड होगी, वो साइड होगी जो एक्स के अलोंग होगी, समझ रहे हैं, बेस कौन सी साइड होगी जो एक्स के अलोंग होगी, यानी एक्स की डायरेक्शन में होगी। यानी अगर मेरे पास ये एक बना हुआ है ना, ऐसी एक रेक्टेंगल बना देता हूं आपके सामने, इस बेस को अगर मैं आई एक्स एक्स निकाल रहा हूं, तो बेस क्या होगी, ये होगी जिस पे मैंने एक लाइन मारी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आई वाई वाई निकाल रहा होता, आई वाई वाई, तो बेस वो होती जो वाई के अलोंग होती, यानी ये होती। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये बच्चों को पता ही नहीं होता, वो समझ रहे होते हैं बेस जो नीचे वाली चीज है वो बेस है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा भाई, हमारे साथ भी हुए थे ये मसले कभी, हम भी पढ़े थे। ठीक है, तो हमने भी जो है बहुत परेशानियां उठा उठा के जो है ना वो इंजीनियरिंग की है। तो बेस आपको समझ आ गई कि जब आई एक्स एक्स निकाल लें तो बेस जो है वो एक्स के अलोंग है, जब आई वाई वाई निकाल लें तो बेस जो है वो वाई के अलोंग है। ठीक है, तो फिर सवाल पैदा होता है एच क्या है,
तो बस जब बेस आपको पता चल गई तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चीज है वो हाइट है, ठीक है ना। एक साइड आपको बेस तो पता चल गई, जो दूसरी साइड बची है वो क्या है, हाइट है, खत्म बात। सर अब जरा आ जाते हैं फिर, ये एक मिनट क्लियर किया हमने, स्टॉप एनोटेशन करी और दोबारा से आगे बढ़ गए। अब देखें जब ये आई एक्स एक्स निकालना चाह रहे हैं प्लेट्स की, तो देखें आई एक्स एक्स निकालने के दो तीन तरीके होते हैं। तो यहाँ आपकी किताब वाले ने दो तरीकों को ज्यादा फॉलो किया है, तो जो आई एक्स एक्स फॉर प्लेट्स निकाला है वो जिस मेथड से निकाला है वो मैं आपको अब बताता हूँ। मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम बड़ी हो जाए ताकि आप सुकून से देखें, पॉइंटर वॉइंटर जब आ जाएगा ना इसमें, एनोटेशन पॉइंटर है ये रहा, स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट आ रही है, हाँ आ रही है। अच्छा अब आप देखें जब आपको निकालना क्या है, आई एक्स एक्स फॉर प्लेट्स। अब प्लेट्स तो भाई इतनी सी है, ये जो नजर आ रही है आपको, एक ये प्लेट नीचे और एक जो है वो ये ऊपर आपको प्लेट नजर आ रही है, ये रही है ना, बस इतनी है प्लेट। सर ये कुछ कह रहे थे क्या? सर इसमें जॉइस्टिक किधर है? अच्छा तो नहीं, आप हम क्या निकाल लें, आई एक्स एक्स, ठीक है। इसका तरीका ये होता है कि जो मेथड यहाँ पे आपकी किताब वाले ने यूज किया आई एक्स एक्स फॉर प्लेट्स निकालने के लिए, वो ये कंसिडर कर रहा है कि हम पूरी इस फिगर का, ये प्लेट्स और ये दरमियान में जो कुछ है, इस पर अगर हम पहले फॉर्मूला लगाएं बी एच क्यूब अपॉन 12 और उसमें से ये जो दरमियान का हिस्सा बचा है प्लेट्स के, इसको माइनस कर दें, यानी इतना बी एच क्यूब ओवर 12 जो है वो माइनस कर दें, पूरा बी एच क्यूब अपॉन 12 में से जब इतना बी एच क्यूब अपॉन 12 माइनस हो जाएगा तो सिर्फ प्लेट्स का बी एच क्यूब अपॉन 12 आ जाएगा, क्योंकि दरमियान में जो इतना हिस्सा है ये प्लेट्स नहीं घेर रही, प्लेट्स तो बस ये घेर रही थी ऊपर का और ये घेर रही थी नीचे का, ये दरमियान का हिस्सा हमारे मतलब का नहीं है। लेकिन ये अगर पूरा आप एरिया निकाल लें तो वो बड़ा आसान होता है, और उसमें से दरमियान का एरिया माइनस कर दें तो ये भी आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज ये यहाँ पे मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, फिर से बताऊंगा यही बात, ठीक है। अब बुरा लगता है किसी को लगे, उसको बुरा लगेगा जिसको आता होगा, वैसा होता है, ठीक है, जिसको आता होता है ना पहले से उसको सारा बुरा लगता है यार, ये वही बच्चों वाली जो चीजें हैं पहले से स्टैटिक्स की वो इतना बताए जा रहे हैं। फिर से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या निकालना है, प्लेट्स का आई एक्स एक्स। तो प्लेट्स तो सिर्फ यहाँ है, एक ये रही ऊपर इतनी पतली सी, एक ये रही नीचे इतनी पतली सी, फॉर्मूला क्या है, बी एच क्यूब अपॉन 12, दरमियान में इतना हिस्सा ये प्लेट्स ने नहीं घेरा हुआ। तो आपकी किताब वाले ने जो मेथड यूज किया है वो ये कि इस पूरी फिगर को, यानी पूरे सिस्टम का आप क्या निकाल लें, आई एक्स एक्स, और उसमें से दरमियान के जो ये हिस्से का आई एक्स एक्स है वो माइनस कर दें इस हिस्से का, क्योंकि ये प्लेट्स नहीं घेर रही। तो चले चलते हैं इसमें, जब हम टोटल इस हिस्से का निकालेंगे पूरे के पूरा, यानी प्लेट्स प्लस ये जो कुछ है दरमियान में, इसका जब आप आई एक्स एक्स निकालेंगे तो आई एक्स एक्स यानी बेस इंटू हाइट का क्यूब अपॉन 12। तो बेस क्या है, बेस तो पूरी ये है यहां से लेके यहां तक, यानी 165 मिलीमीटर प्लस 165 मिलीमीटर, तो 165 और 165 को अगर आप जोड़ें कैलकुलेटर पे तो आंसर आता है 330, उर्दू में बोल रहा हूं 330। लेकिन क्योंकि यहां पे मिलीमीटर, और मिलीमीटर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, है ना, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो बहुत आसान सी बात है, मिली जो है ना, मिली एक प्रीफिक्स है फिजिक्स का, और इस मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो अगर आप 330 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप 330 को, 330 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप बताएं आंसर क्या आएगा आपके पास, आई थिंक ये आएगा 0.33। एक मिनट, ये 0.33, ठीक है। बेस आपके पास कितनी आई, 0.33। फिर सवाल पैदा होता है भाई एच कितना है, है ना, एच कितना है। अब देखें दरमियान में यहां से लेके यहां तक तो आपको बताया हुआ है कितना, 300, यहां पे देखें उल्टे हाथ पे 300 बताया हुआ यहां से लेके यहां तक, प्लस फिर वो ऊपर का 12 mm प्लेट की थिकनेस और नीचे की 12 mm प्लेट की थिकनेस, कुल मिला के कितनी हो गई,
300 में 12 और 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 324, है ना, 324। लेकिन 324 ये तो मिलीमीटर है, आपको क्या चाहिए मीटर में, तो बस मिली की वैल्यू पुट कर दें। मिली का क्या मतलब होता है, 10 की पावर -3। ठीक है, जब आपने 324 के आगे 10 की पावर -3 लगाया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.324, यानी हाइट कितनी आ गई 0.324, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये आपके पास आ गया टोटल, यानी इस पूरे सिस्टम का जिसमें दरमियान में बहुत सारा एरिया फालतू भी है, उस पूरे का क्या आ गया आपके पास IXX। लेकिन आपको ये चाहिए, आपको ये सिर्फ दरमियान है, इसका BH क्यूब अपॉन माइनस करें, ये कैसे करेंगे भाई माइनस है, ये कैसे करेंगे माइनस, ये ऐसे माइनस करेंगे आप के, तो पहले तो वो देख लें कि शुरू की को बाय वो के यहाँ ये आप निकाला है 0.33 × 0.324 का क्यूब अपॉन 12, वही है ये h क्यूब अपॉन 12। ठीक है, अब इसमें से देखें एक माइनस हो रही है, वो माइनस क्या हो रही है, दरमियान अगर आप देखेंगे यहाँ बी क्या है, बी तो फिर से वही है 165 और 165 यानी 330 मिलीमीटर, मीटर में करेंगे तो 0.3, लेकिन वो है 300, एड नहीं लेंगे ना भाई प्लेट का तो नहीं। अब जो चीज फालतू प्लेट की फालतू है, क्योंकि प्लेट की ही आपको IXX पता करनी है, तो इस दफा जो आप चीज माइनस कर रहे हैं BH क्यूब अपॉन 12 जो माइनस कर रहे हैं उसमें H यानी फालतू H कौन सा है, वो ये 300 mm है, क्योंकि ये प्लेट्स का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो जो चीज आप माइनस कर रहे हैं, जो BH क्यूब अपॉन 12 माइनस कर रहे हैं उसमें B क्या है 0.3, ठीक है 0.33 क्योंकि 330 mm था, H कितना है 0.3 क्योंकि 300 mm है, उस पे क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब देखें ये लिखा होगा वहां पे, ये देखें ये वाला BH क्यूब अपॉन 12 ये टोटल है, और उसमें से आपने दरमियान का जो फालतू था वो माइनस कर दिया 0.33 × 0.3 का क्यूब अपॉन 12, तो आपके पास क्या आ गई IXX फॉर प्लेट्स आ गई। आगे ये तो ये अगला स्टेप लिखा हुआ है, ये तो आप ना लिखें भाई, पूरा कैलकुलेटर पे टाइप कर दें वो बता देगा आपको। ठीक है, तो आपके पास IXX आ गया किसका, प्लेट्स का, ये आया ऊपर 192.5 × 10⁻⁶ मीटर की पावर 4। अब कोई मसला ही नहीं, जब आपको जॉइस्ट्स का IXX पता है और प्लेट्स का IXX पता है तो टोटल कैसे निकालेंगे भाई, दोनों को प्लस कर दें, जॉइस्ट्स का ये रहा और प्लेट्स का ये रहा, दोनों को ऐड कर दें तो ये टोटल IXX निकाला हुआ है यहाँ पे 384.5 × 10⁻⁶ मीटर की पावर 4। IXX का मसला हो गया हल, ठीक है IXX का मसला हो गया हल। अब यहां पे एक बात लिखी हुई है कि भाई IYY के लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है। अच्छा, माजरस के साथ बच्चे भूल जाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है, ठीक है, हम भी भूल जाते थे, समझ में नहीं आता था जब छोटे थे, स्टैटिक्स स्टैटिक्स पढ़ते थे कि भाई ये क्या हो रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, बस टीचर आके बोर्ड पे लगा देते थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ना बस लगा दिया तो बस लगा दिया, मान लो है। लेकिन इसकी वजह होती है, अब वजह गौर से सुन लें, अगर आज सुन लेंगे तो कल को शायद आप कभी स्ट्रेस एनालिसिस का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें मसला नहीं होगा। देखें, अगर आप गौर करें, ये जो दोनों जॉइस्ट्स है ना, जॉइस्ट नजर आ रहे हैं आपको, आ रहे होंगे नजर, इस पूरे सिस्टम का, ये जो आपको यहाँ जॉइस्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का जो सेंट्रोइड होगा, पूरे सिस्टम का, ये जो जॉइस नजर आ रहे हैं आपको, इनका जो सेंट्रोइड होगा वो यकीनन दरमियानी यानी हिस्सा, वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और एक्स एक्सिस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको ये एक्स एक्सिस,
अब बात यह है कि जब जॉयस्ट की हम बात कर रहे हैं, देखें जॉयस्ट का जो सेंट्रोइड होगा वो कहाँ होगा, इस जॉयस्ट की अगर बात करें तो यहाँ दरमियान में, बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट पे, बिल्कुल बीच में। तो क्या एक्स एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है? आप देख रहे हैं बिल्कुल पास हो रहा है भाई एक्स एक्सिस। जॉयस्ट का जो सेंट्रोइड है ये रहा, यहां से एक्स एक्सिस पास हो रहा है, हाँ हो रहा है। दूसरा जॉयस्ट देखें, दूसरे जॉयस्ट का जो सेंट्रोइड था यहाँ बीच में होगा कहीं, उससे एक्स एक्सिस पास हो रहा है, आप बोल रहे हाँ हो रहा है भाई, नजर आ रहा है आपको पास होता हो। जब भी किसी एरिया के जो कि अंडर कंसिडरेशन हो, जैसे कि यहाँ जॉयस्ट का था, ठीक है, अगर उसके सेंट्रोइड से वो एक्सिस पास हो रहा होता है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाते। लिख लें कहीं अपने पास, जब भी किसी एरिया से जो अंडर कंसिडरेशन है उसके सेंट्रोइड से अगर कोई एक्सिस पास हो रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पास हो रहा है, तो जब आपने आई एक्स एक्स निकालना होगा, यानी जब आई एक्स एक्स निकालना होगा, क्या निकाला था, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाते, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि भाई प्लेट्स में, प्लेट्स से तो पास नहीं हो रहा था एक्स एक्सिस, तो भाई प्लेट्स के लिए वो मेथड ही यूज नहीं किया था हमने, प्लेट्स के लिए तो हमने आई एक्स एक्स निकालने का मेथड ही दूसरा वाला यूज किया जिसमें कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज ही नहीं होता, ठीक है। और जॉयस्ट की बात करें तो जॉयस्ट का आई एक्स एक्स हमें दिया हुआ था डायरेक्ट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों नहीं लगाया आई एक्स एक्स निकालने के लिए, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो जॉयस्ट का सेंट्रोइड है वहां से एक्स एक्सिस पास हो रहा था, जब पास हो रहा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना कोई। लेकिन जब आप बात करेंगे वाई एक्सिस की, तो भाई यहां पर है सेंट्रोइड इस जॉयस्ट का, यहां पर है सेंट्रोइड इस वाले जॉयस्ट का, तो आप मुझे बताएं क्या वाई एक्सिस पास हो रहा है इन जॉयस्ट के सेंट्रोइड से? वाई एक्सिस तो यहां से पास हो रहा है। ऐसे केस में लिख लें कहीं अपने पास पेंसिल से, जब कभी जो एरिया अंडर कंसिडरेशन है उसके सेंट्रोइड से अगर, उसके सेंट्रोइड से अगर जो एक्सिस है वो पास नहीं हो रहा होता बल्कि पैरेलल होता है, पैरेलल मतलब ये कि जो लाइन पास हो रही है सेंट्रोइड से, ये छोटा वाई जो लिखा हुआ है इसके पैरेलल, ये मेजर वाई एक्सिस, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि वाई एक्सिस इन सेंट्रोइड्स के, इन जॉयस्ट के सेंट्रोइड से पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब आपको ये पता चल गया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कहां करना होता है, तो फिर फॉर्मूला कोई मुश्किल बात नहीं है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक है, फॉर्मूला कोई मुश्किल बात नहीं है। फॉर्मूले में सिर्फ इतनी सी चेंज आती है कि जब कभी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं ना, तो इजाफी जो चीज आई एक्स एक्स हो या आई वाई वाई हो या कोई सा भी आई हो, जो इजाफी चीज होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, जो इजाफी मोमेंट ऑफ एरिया होता है वो होता है ए डी स्क्वायर, यानी एरिया टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सवाल ये पता होता है डी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है उस चीज का सेंट्रोइड, जैसे कि चीज क्या है यहाँ पे जॉयस्ट, इसके सेंट्रोइड से लेके उस एक्सिस तक का फासला, इसको हम कहते हैं डी, डी फॉर डॉग, ठीक है, डी लिख लें अपने पास। जो इजाफी एरिया मोमेंट होता है वो होता है ए डी स्क्वायर, ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉल, डक, कुछ भी बोले, ए डी स्क्वायर, ठीक है। आपको ये मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगता कब है। अब जरा देख लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के और फिर किस तरह इन्होंने सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकाला है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जब आई वाई वाई फॉर जॉयस्ट निकालना है, तो भाई जॉयस्ट का आपको आई वाई वाई तो ये दिया हुआ है, आई वाई वाई तो जॉयस्ट का आपको दिया हुआ है। अच्छा अभी शायद क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, अब आएगा नजर, हाँ आई वाई वाई जॉयस्ट का ये दिया हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे टू क्यों लगा हुआ है, यहाँ लिखा है टू टाइम्स और वो आई वाई वाई की वैल्यू, तो टू इसलिए क्योंकि भाई जॉयस्ट दो है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसी जैसे जब आई एक्स एक्स निकाला था तो वहां भी टू से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए ये जो चीज लिखी है, प्लस ये 6 × 10⁻³, ये है ए, कैपिटल ए बोल रहा हूं, कैपिटल ए, गलती से भी ना वो स्मॉल ए मत लगा दीजिएगा, जो रैंकाइन गॉर्डन का कॉन्स्टेंट है, ये कैपिटल ए एरिया है, एरिया। अगर आप बोल रहे हैं कि भाई ये कहां से आया, तो ये यहां से आया, यहां से
एक जॉय, हर एक जॉयस्ट का एरिया पता है ना आपको, ये रहा, तो वही उठा के यहाँ रख दिया। फिर मैंने आगे बोला था ए के साथ डी स्क्वायर, तो भाई ये अगर कोई सोच रहा है कि ये पॉइंट वन कहाँ से आया, मैंने इतना तो बता दिया कि ये डी का स्क्वायर है, तो जरा देख लेते हैं पॉइंट वन कैसे आया। ये पॉइंट तो हम यहां तक पहुंच गए थे कि ए डी स्क्वायर ना, तो हमें ये कंफर्म हो गया था कि भाई ये पॉइंट वन किसी को अगर ये हो रही थी कि भाई डिस्टेंस ये कहां से आया, तो हम यहां जाते हैं और ये जो जॉयस्ट का सेंट्रॉइड है वो यहाँ कहीं होगा, और यहां से लेके जो वाई एक्सिस तक का फासला है तो वो आपको नीचे यहाँ पे शो हो रहा है 100 mm। 100 mm को जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, यानी मिली की जगह जब आप 10^-3 लिख देंगे, तो आप बोलेंगे 100^-3 का क्या मतलब होता है, 0.1। तो 0.1 मीटर क्या है, ये डिस्टेंस है उस जॉयस्ट के सेंट्रॉइड से लेके वाई एक्सिस तक का, चाहे वो यहां से आप देखें या यहां से देखें वो बराबर है, तो इसलिए दोनों के लिए यही है ए डी स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट में आ रहा है पूरा, क्योंकि दोनों का जो आई वाई वाई है वो सेम है, और वो इतना है जितना आई वाई वाई दिया हुआ था, प्लस इजाफी कितना होता है ए डी स्क्वायर। इसमें ए डी स्क्वायर क्या है, ए एरिया है जो कि यहां पे दिया हुआ है, और डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ जॉयस्ट टू द वाई एक्सिस। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या आ गया, आई वाई वाई आ गया जॉयस्ट का। फिर दूसरी चीज क्या है, आई वाई वाई प्लेट्स की, प्लेट्स का भी तो निकालना है ना। अब जरा चेक करें कि क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत है प्लेट्स के लिए या नहीं है, तो इसके चेक करने का क्या मेथड है। अब प्लेट्स का जब जिक्र कर रहे हैं तो आप देखें क्या प्लेट्स का जो सेंट्रॉइड है उससे क्या वाई एक्सिस पास हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखें पहली प्लेट ऊपर वाली, इसका सेंट्रॉइड यहां होगा, तो इससे वाई एक्सिस पास हो रहा है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो रहा है। नीचे वाली प्लेट देखें, इससे क्या वाई एक्सिस पास हो रहा है इसके सेंट्रॉइड से, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो क्या यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत होगी, आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि जब एक्सिस पास हो रहा है सेंट्रॉइड से तो फिर कोई मसले वाली बात ही नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड और वो एक्सिस वो तो है ही नहीं ना कोई, डी तो जीरो है, तो जब डी ही जीरो है तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस बात के लिए लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर आप सिर्फ क्या करेंगे, क्योंकि दो प्लेट्स हैं तो 2 × BH³/12। लेकिन क्योंकि जब आप यहां आई वाई वाई निकाल लें प्लेट्स का, तो फिर वही वाली बात, शुरू मैंने मैंने बताया था कि बेस वो होती है जो उस एक्सिस के पैरेलल हो, तो इस एक्सिस के पैरेलल यानी वाई एक्सिस के पैरेलल प्लेट की कौन सी डायमेंशन है, आप बोलेंगे ये 12 mm, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या हुई, बेस हुई, बेस। तो जो दूसरी डायमेंशन बची, दूसरी डायमेंशन कौन सी है, ये रही 165 + 165 यानी 330, ये क्या हुई, हाइट। ठीक है ना, तो बेस जो आपको दी हुई है 12 mm, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 12 × 10^-3 मीटर, और जो हाइट दी हुई है आपको वो अगेन 165 + 165 यानी 330 mm, और जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा 0.33, और क्योंकि हाइट पे क्यूब होता है तो 0.33³/12। अब आप यहां पे चेक करें, 2 बेस क्या ली थी हमने, 12 mm, तो 12 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये, फिर h³/12 से 0.33 मैंने बताया था ना, उसका क्यूब अपॉन 12, तो आपके पास क्या आ गई, आई वाई वाई आ गया प्लेट्स के लिए। तो अब आप टोटल कैसे निकाल लेंगे, भाई जो जॉयस्ट का आई वाई वाई आया है और जो प्लेट्स का आई वाई वाई आया है उनको ऐड कर दें, तो आपके पास टोटल आई वाई वाई आ गया। एक चीज क्या बताई थी, हमारा मकसद क्या होता है, के निकालना। के कैसे निकालते हैं कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई में से, दोनों में से आई एक्स एक्स आपके पास क्या आया था, ये आई वाई वाई आपके पास क्या आया, बोलेंगे ये। इन दोनों में से चेक करना है छोटा कौन सा है, तो भाई ये तो बड़ा है ना, 384.5 × 10^-6, ये तो बड़ा है, ये छोटा है 200.3 × 10^-6, ये छोटा है। तो जो छोटा वाला आई होता है यानी जहां कम एरिया
मोमेंट आ रहा है जहां कम एरिया की रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है, क्योंकि सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या है, एरिया की रोटेशन की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो कम वाला है उसको आप इक्वेट कर देते हैं, यानी जो भी कम वाला आपके पास आई आ रहा है, आई एक्स एक्स हो या आई वाई वाई हो, उसको आप बराबर ले लेते हैं ए के स्क्वायर के, कैपिटल ए इंटू के स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे यही हो रहा होगा, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऊपर लिखी हुई एक लाइन, नाउ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रैंकाइन गॉर्डन स्ट्रेस सिग्मा आर इज गिवन, यानी रैंकाइन स्ट्रेस जो होता है सिग्मा आर, वो उसके लिए है जब आपके पास के की वैल्यू छोटी होगी, और के की वैल्यू जब ही छोटी होगी जब आई की वैल्यू छोटी होगी। तो आप छोटा वाला आई कंसिडर करेंगे, छोटा वाला आई आपके पास आई वाई वाई था ना, उसको आपने ए के स्क्वायर के बराबर इक्वेट कर दिया। तो ए आपको पता है क्या, टोटल एरिया आपको पता है, टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया ऐसे निकालेंगे क्योंकि पूरा सिस्टम आपके पास जॉइस्ट भी है और प्लेट्स भी, तो भाई जॉइस्ट का एरिया तो यहां दिया हुआ था, इसका दोगुना कर लेंगे, ये देखें जितना एरिया जॉइस्ट का दिया हुआ था ये इसका क्या कर लिया ट्वाइस, ठीक है, दोगुना। प्लस अब किसी एरिया की बारी होगी यकीनन प्लेट्स की, तो फिर हम लिख रहे हैं दोगुना यानी ट्वाइस, और आगे किसका एरिया होना चाहिए, प्लेट्स का, प्लेट्स का एरिया कैसे निकालेंगे आप, बहुत आसान सी बात है, इधर आए यहाँ पे, और ये जो प्लेट है वो सिर्फ इतना हिस्सा है ना, पॉइंटर ऑन कर रहा हूं, ये इतना हिस्सा है प्लेट का, तो प्लेट की थिकनेस क्या है 12 mm, प्लेट की जो लंबाई है वो कितनी है 165 + 165 यानी 330 mm, तो एरिया आप बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहां बोलेंगे तो हाइट इनटू ब्रेड्थ जो भी, तो 12 mm को आपको इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई करना है यानी 330 mm से, लेकिन क्योंकि हम तो मीटर में लेते हैं तो आप बोलेंगे 12 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.33 meters, इससे क्या आ जाएगा आपके पास प्लेट का एरिया, यानी ये वाली चीज, ये पूरा एरिया आ जाएगा नीचे का प्लेट का, ठीक है। प्लेट का एरिया यही आएगा 0.33, ये उसकी क्या थी पूरी नीचे वाली साइड थी पूरी 0.33, जो आपने 165 और 165 को जोड़ा और उसको मीटर में कन्वर्ट किया, और ये 12 मिलीमीटर जो थिकनेस थी उसकी एक साइड, ये हो गई। तो दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है एरिया। अबे टू से यहाँ क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि प्लेट्स भी दो हैं, तो कुल मिला के आपके पास एरिया आ गया इतना, कुल मिला के एरिया इतना आ गया। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम छोटा वाला जो आई आया आपके पास, जैसे यहाँ पे आई वाई वाई छोटा आया है, इसको जब हम ए के स्क्वायर के बराबर इक्वेट कर रहे होते हैं, तो इस ये जो ए है एरिया, ये टोटल एरिया होता है। कुछ बच्चे गलती से सिर्फ जॉइस्ट का एरिया रख देते हैं तो सब गलत हो जाएगा, तो भाई सिर्फ जॉइस्ट ही तो नहीं है ना, प्लेट्स भी तो लगाई हुई है, तो प्लेट्स का भी लेना है। हाँ, अगर जैसे यहाँ पे आप सेपरेटली कुछ चीजें कर रहे थे, जैसे आई एक्स एक्स सेपरेटली आप निकाल लेते प्लेट्स का, तो फिर सिर्फ प्लेट्स की बात होती है। आई वाई वाई सेपरेटली जब आप निकाल लेते प्लेट्स का, तो सिर्फ प्लेट्स की बात होगी। लेकिन जब आप यहाँ पे ए के स्क्वायर के बराबर इक्वेट कर रहे हैं, तो ये एरिया पूरे सिस्टम का एरिया है। सिस्टम मतलब जो चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, हकीकत में कौन सी चीज मौजूद है, दो जॉइस मौजूद है, दो प्लेट्स मौजूद है, तो उनका टोटल एरिया आपके पास यहाँ पे कैपिटल ए है। फिर जब आप इस इक्वेशन में, यानी स्मॉलेस्ट आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर में, स्मॉलेस्ट आई तो आपको पता है कितना है, 200.3 × 10⁻⁶, ए आपको पता चल गया, तो इस जगह ए की जगह उसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड करा देंगे, तो के का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर रूट ले लेंगे तो के भी आ जाएगा। यही बिल्कुल यहां पे हुआ है, के का स्क्वायर आपके पास इतना आया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपकी किताब वालों ने रूट नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां अगर आप गौर करें रैंकाइन स्ट्रेस के फॉर्मूले में, तो एल अपॉन के पे स्क्वायर है ऑलरेडी, तो के का स्क्वायर ही चला लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन फिर आपको क्योंकि गिवन थी एक्सटेंशन की 7 meters, उस पर तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना आपको। नीचे के पे स्क्वायर खुद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि के का स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, ठीक है,
इसलिए नीचे स्क्वायर नहीं कर रहे, क्योंकि नीचे तो है ही के का स्क्वायर आपको जो पता चला है यहाँ पे। या अगर आप चाहें इतना दिमाग उलझाने की जरूरत नहीं है तो फिर आप ये कर लें कि के का स्क्वायर जब पता चल गया तो के भी निकाल लें साथ ही साथ, ठीक है। फिर जब एल अपॉन के पूरे पे स्क्वायर कर रहे हो तो एल पे भी स्क्वायर कर दीजिएगा, और जो आपका के आया है नीचे उस पर भी स्क्वायर कर दीजिएगा, और आप एल अपॉन के का स्क्वायर पूरा निकाल लेंगे। ये फिर से थोड़ी थीम डिस्कस कर रहा हूं। शुरू से हमने क्या किया, सबसे पहले जो सवाल किया हुआ था हमने, टोटल आई एक्स एक्स निकाला, टोटल आई वाई वाई निकाला, ठीक है। उसके लिए जरा स्टैटिक्स की कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई की, उन दो में से जो छोटा आया उसको ए के स्क्वायर के बराबर इक्वेट करके हमने क्या निकाला, के का स्क्वायर या के, दोनों में से जो चाहे कर लें। क्यों निकाला के, क्योंकि हमारे पास जो रैंकाइन स्ट्रेस है उसके फॉर्मूले में एल अपॉन के होता है, एल तो गिवेन है लेकिन के चाहिए था इसलिए के निकाला। ए भी पता है हमें, सिग्मा वाई भी पता है। अब जो आपके पास ये एल अपॉन के का स्क्वायर पूरा आ ही गया है तो अब आप इसे इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सिग्मा वाई आपको पहले से पता था सवाल में, हाँ पता था, ये रहा गया, ये रहा 300 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेस 300। अच्छा, क्योंकि वहां पे मेगा लिखा हुआ था तो मेगा का मतलब फिजिक्स में होता है 10^6, तो ये लिख दिया 10^6, ठीक है। फिर नीचे जो है वो यहाँ पे 1+a भी लिखा है, तो a वहां पे आपको सवाल में ये दिया हुआ था, ये रहा 1/7500, तो a की जगह यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जब l अपॉन k स्क्वायर के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब l अपॉन k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/7500, लिहाजा जो भी l अपॉन k स्क्वायर की वैल्यू आई है उससे 7500 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1/7500 का क्या मतलब है कि डिवाइडेड बाय 7500, ठीक है। इसके जरिए आप पूरा जो है वो क्या निकाल लेंगे, रैंकाइन स्ट्रेस। रैंकाइन स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास जो भी आई यहाँ पे 300/1.653, आप अगर चाहें तो 10^6 को दोबारा से कह दें मेगा, तो फिर आपके पास ये बन जाएगा। यानी सिर्फ इतनी चीज को कैलकुलेट करें, 300 को डिवाइड करें 1.653 से, तो आपके पास आंसर आएगा 181.45, और जो 10^6 है उसको मेगा लिख दें। और क्योंकि स्ट्रेस हो या प्रेशर हो, इनका यूनिट होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल एक ही बात है, तो आगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है भाई। क्योंकि यहाँ पे आपसे बोला ये था सवाल में, सवाल भी तो पढ़ना है ना, डिटरमिन द अलाउेबल लोड पूछा, तो लोड था भाई। लोड क्या होती है मैंने आपको बता दी थी पहले, फोर्स। स्ट्रेस तो नहीं पूछा, फोर्स पूछिए। तो आपको पता है प्रेशर हो या स्ट्रेस हो, ये होते फोर्स अपॉन एरिया है ना, प्रेशर हो या स्ट्रेस हो होते हैं ये फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स यकीनन बराबर होगी स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया के, और क्योंकि मैंने बताया फोर्स का ही दूसरा नाम है लोड, तो अलाउेबल लोड किसके बराबर हो जाएगा, जो भी आपका यहाँ पे रैंकाइन स्ट्रेस आया उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। रैंकाइन स्ट्रेस को हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोई बोले कि भाई ये एरिया कहां से आया, तो एरिया यहां से आया ना, टोटल सिस्टम का एरिया, ये जो आपने निकाला था यहाँ पे ए के स्क्वायर जब कर रहे थे तब जो ए निकाला था आपने, वही एरिया आपने यहां पुट कर दिया इस जगह, तो आपके पास क्या आ गया, अलाउेबल लोड। अब क्योंकि आपने अगर सिग्मा आर की वैल्यू मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखी है, तो खुद ब खुद लोड भी आपका मेगा न्यूटन में आ जाएगा, और अगर आपने मेगा नहीं लिखा होता बल्कि वो 10^6 को भी मल्टीप्लाई किया होता, तो फिर आपका आंसर लोड का किसमें आता, न्यूटन में, तो इतनी परेशानी की बात नहीं है, दोनों तरह लिख सकते हैं, एक रट्टा नहीं मारना होता इसको। फिर आपके पास अगर आप, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया है, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया है, तो फिर आप पी मैक्स निकालेंगे कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला लिख लें अपने अपने पास। फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, मैं बता देता हूं,
इसमें पी का मतलब प्रेशर नहीं है, पी लोड को कहते हैं हम यहाँ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में। पी किसको कहते हैं? लोड को। तो ये जो नीचे लोड के साथ सबस्क्रिप्ट में ए डबल एल लिखा है, इसका मतलब है अलाउएबल, और ये जो नीचे लिखा है वो है मैक्सिमम, यानी अलाउएबल लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम लोड। तो जब ये पी मैक्स उधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये पी अलाउएबल डिवाइडेड बाय एफओएस, ठीक है। तो ये चीज वहां पे शो हो रही है, P max is equal to P allowable. P allowable आपने अभी ये निकाला है, ये, और इसको आपने डिवाइड कर दिया किससे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 से। अब ये कहां दिया हुआ है? ये रहा सवाल में, ये रहा। तो आपके पास इससे क्या आ गया? मैक्सिमम लोड। अब क्योंकि आपने जो अलाउएबल लोड था वो मेगा न्यूटन में रखा था, तो लिहाजा मैक्सिमम लोड भी खुद ब खुद मेगा न्यूटन में आ गया, और इसके साथ आपका ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया, ठीक है।